हेलो स्टूडेंट्स मैं राकेश कुमार यादव मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है देखिए पहला क्वेश्चन एक प्राकृत संख्या एन को जब चार से विभाजित किया जाता है तो शेष पल तीन प्राप्त होता है टू तो एन प्लस तीन को चार से विभाजित करने पर शेष क्या प्राप्त होगा तो एन को एन बटा एन को चार से एन बटा चार से विभाजित किया जाता है तो कितना प्राप्त होता है शेष पल तीन तो संख्या हो जाएगी तब अगर 2n 2n प्लस तीन को किससे विभाजित किया जाए चार से विभाजित किया जाए तो क्या प्राप्त होगा तो n बराबर होगा इधर सात तो दो इंटू सात प्लस तीन बटा चार हो तो जाएगा सात धोनी चौदह और तीन चौदह और तीन सत्रह सत्रह बटा तार, तो ये कितना शेष फल कितना प्राप्त होगा एक आगे देखें स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन दो तो संख्या इस प्रकार है कि एक का वर्ग दूसरे के वर्ग के आठ गुने से दो सौ चौबीस कम है यदि संख्या तीन अनुपात चार के अनुपात में है तो संख्या ज्ञात कीजिए तो संख्या आठ गुने एक का वर्ग दूसरे के वर्ग से आठ गुने से कितना कम है तो पहले का वर्ग तीन अक्ष स्क्वायर माइनस स्क्वायर आठ गुने से पहले का आठ गुना तो पहले का आठ गुना आठ तो बराबर हो जाएगा कितना दो सौ चौबीस आरती चौबीस आरती आठवंटे चौसठ चौसठ और नौ आरती चौबीस तीन तीन या नौ नौ आठ बेहतर बेहतर अक्स स्क्वायर माइनस चार सोलह अक्स स्क्वायर बराबर दो सौ चौबीस ये हो जाएगा बेहतर में से सोलह अक्स स्क्वायर चला जाएगा तो ये हो जाएगा छप्पन अक्स स्क्वायर बराबर दो सौ चौबीस अक्स स्क्वायर बराबर दो सौ चौबीस बटा छप्पन ये चला जाएगा चार से अक्स बराबर हो जाएगा दो अक्स बराबर दो तो संख्या हो जाएगी तीन अनुपात चार है ना तो संख्या हो जाएगी तीन दुनिया छह अनुपात आठ आगे देखे स्टूडेंट्स छह और आठ आगे देखे स्टूडेंट्स तीसरा क्वेश्चन दो संख्याओं का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य सात और दो रूट दस है तो संख्याएं याद कीजिए तो समांतर माध्य कितना होता है समांतर होता है एक्स प्लस वाई बटा दो बराबर चौदह पहला समीकरण उनका गुणोत्तर गुणोत्तर कितना है, तो है रूटर रूट रूट दो रूट दस तो ये हो जाएगा दो रूट दस रूट वाई बराबर हो जाएगा रूट का तालीस अक्स और वाई बराबर हो जाएगा अक्स और वाई बराबर हो जाए इंटू वाई बराबर हो जाएगा तालीस ये हो जाएगा दूसरा समीकरण अक्स बराबर चार और वाई बराबर दस अक्स बराबर चार और वाई बराबर दस आगे देखिए स्टूडेंट्स चौथा क्वेश्चन एक गोलार्ध का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सत्ताईस सौ बेहतर सेमी है कितना सेमी है सत्ताइसो बेहतर है, और इसका आयतन उन्नीस हजार चार सौ चार से तो इसकी तो इस गोले का आयतन गोले का आयतन होता है बटा तीन पाई आर क्यूब तो ये है, तो ये गोलार्ध मतलब का मतलब तो मतलब दो बटा तीन आई आर क्यू बराबर कितना है उन्नीस हजार उन्नीस हजार चार सौ चार उन्नीस हजार चार सौ चार ये हो जाएगा आर क्यू बराबर उन्नीस हजार चार सौ चार इंटू तीन तीन ऊपर चला जाएगा और पाई का मान बाईस बटा सात का सात ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा दो इंटू बाईस दो इंटू बाईस ये चला जाएगा दो से ग्यारह बार ये ग्यारह से दो बार ग्यारह से दो बार ग्यारह एक कम ग्यारह ग्यारह एक कम ग्यारह आठ ग्यारह सात सतंतर ग्यारह सात सतंतर कितना बचा छठ ग्यारह चौक चौमालीस फिर दो से चला जाएगा दो दो चार से चोक चोक चार चौक सोलह चार चौक सोलह चार एक सौ इकसठ नौ हजार दो सौ इकसठ ये आर क्यू बराबर दो सौ इकसठ का होता है इक्कीस इंटू इक्कीस इंटू इक्कीस का क्यूब है इक्कीस का क्यूब तो आर बराबर हो जाएगा इक्कीस आगे देखे स्टूडेंट्स पांचवा क्वेश्चन 250 सैनिकों के लिए 30 दिन के लिए पर्याप्त भोजन था 30 दिन के लिए पर्याप्त भोजन था तो 250 सैनिकों के लिए तो 250 सौ पचास इंटू तीस दिन का पर्याप्त भोजन था यदि 50 सैनिकों ने शिविर में भाग नहीं लिया 50 ने भाग नहीं लिया तो कितनों ने भाग लिया 200 ने भाग लिया दो सो ने भाग लिया तो सामग्री कितने दिन तक चलेगी अक्स अक्ष सो पचास इंटू तीस बटा दो सो अक्स का मान तो जीरो से जीरो जीरो से जीरो ये हो जाएगा जीरो से जीरो ये हो जाएगा पिछहत्तर बटा दो मतलब सैतीस पॉइंट पांच पहले कितने दिन चल रही थी तीस दिन अब चल रही है सैतीस पॉइंट पांच दिन कितने दिन सात पॉइंट पांच दिन अधिक आगे देखे स्टूडेंट छठवा क्वेश्चन एक आदमी एक निश्चित दूरी तक जाता है और अपनी आधी यात्रा पूरी करता है निश्चित दूरी तक जाता है और आधी यात्रा पूरी करता है शेष पांच बटा छह वैन में यात्रा करके और शेष ऑटो में यात्रा करके पूरी करता है यदि ऑटो द्वारा तय की गई दूरी पांच किमी थी तो उसकी दूरी कितनी होगी तो वो कितनी दूरी आधी दूरी आधी मतलब अक्स बटा दो और शेष दूरी में से पांच बटा छ मतलब सेस, सेस कितनी बची अक्स बटा दो में से कितनी पांच बटा ऑटो से जाता है ये जाता है ऑटो से ऑटो द्वारा तय की गई दूरी द्वारा तय की गई दूरी अक्स बटा दो इंटू अक्स बटा दो इंटूस्ट एक माइनस पांच बटा बराबर बटा दो इंटू तो एक बटा एक बटा छबा दूरी शेष बच गई बराबर ये ये हो जाएगा, इसमें, ये एक बटा यह हो जाएगा, इसमें आ जाएगा, अक्स बटा बारह अक्स बटा बारह तो ये हो जाएगा अक्स बटा बारह इन बारह बराबर बरा कितने किलोमीटर पांच अक्स बराबर साठ किमी आगे देखें स्टूडेंट सातवां क्वेश्चन एक दो सौ मीटर की दौड़ में क्यों को 35 मीटर या 7 सेकेंड से हरा से देता है पी क्यू को कितने से 35 मीटर 35 या 7 सेकेंड तो कितने मीटर दौड़ रहा है 5 मीटर प्रति सेकेंड से तो ये दौड़ कितने की थी 200 बटा 5 मीटर प्रति सेकेंड मतलब कितना चालीस सेकेंड से चालीस सेकेंड दौड़ में पी द्वारा लिया गया समय पूरी दौड़ में कितना चालीस सेकेंड का समय लगा तुमको और सात सेकेंड से उसने सात सेकेंड से पीने रहा था तो पीने कितने में पूरी की तैतीस सेकेंड में आगे देखे स्टूडेंट्स आठवा क्वेश्चन एक पॉइंट जीरो आठ जीरो पॉइंट छत्तीस और जीरो पॉइंट नौ का जी सी डी याद कीजिए तो एक पॉइंट जीरो आठ को अपन मान लेते हैं एक सौ आठ एक सौ आठ पॉइंट छत्तीस को मान लेते हैं अपन छत्तीस और पॉइंट जीरो को मान लेते हैं अपन नब्बे मतलब दो छोड़ के मतलब सौ से मल्टीप्लाई कर दिया सबको तो इसका अपन को निकालना है इसका निकालना है अपन को एच सी एफ एच सी एफ आएगा पहले दो का भाग देते हैं तो इधर आ जाएगा चौवन इधर आ जाएगा अठारह इधर आ जाएगा पैंतालीस फिर तीन का भाग देते हैं तो तीन का भाग में आ जाएगा तीन का भाग अठारह तो वन तीन से छ बार और तीन से पंद्रह बार फिर तीन का भाग देते हैं चला जा अठारह जा तीन, तीन, तीन दू छ तीन पंजे पंद्रह तो तीन तीन नौ नौ दू अठारह अपन ने अगर अपन ने मुझमें सौ से मल्टीप्लाई किया था वहां पे अब यहाँ पे सौ यहाँ पे अपन को सौ का भाग देना पड़ेगा अठारह बटा सो so, मतलब पॉइंट अठारह आगे देखे स्टूडेंट्स नोवा क्वेश्चन एक आयत की लंबाई चौड़ाई चार अनुपात तीन है लंबाई और विकिरण का मान तो लंबाई कितनी है चार चौड़ाई कितनी है तीन विकिरण हो जाएगा इसका पांच तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी चार और विकिरण हो जाएगा पांच चार अनुपात पांच आगे देखे क्वेश्चन पच्चीस वस्तु का क्रय मूल्य बीस वस्तु के विक्रय मूल्य के समान है मतलब 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस बराबर 20 इंटू एस सेलिंग प्राइस तो ये हो जाएगा सी पी बटा एस पी का मान कितना हो जाएगा 20 एस का मान हो जाएगा तो प्रॉफिट कितने का हुआ पांच का पांच बटा बीस इंटू सो बीस से पांच बार पांच इंटू पांच पच्चीस प्रतिशत का लाभ आगे देखे स्टूडेंट्स बार वैक्यूशन जोन दोपहर दो, दो बजे तक अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए दस किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाता है दस किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाता है तो समय दस और यदि वह पंद्रह किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाए तो वह बारह बजे तक पहुंच जाएगा पंद्रह यह तो हो गया समय और समता। समता हो जाएगी उनकी पंद्रह और दस पंद्रह का मतलब तीन अनुपात दो तीन अनुपात दो अब एक बराबर दो घंटा दो घंटा अधिक यहां पे बारह बजे पूछ रहा है यहाँ पे दो बजे पूछ रहा है मतलब दो घंटे का एक अनुपात बराबर तो तीन अनुपात की तीन, तीन इंटू दो बराबर ये उसका पुराना समय और दो इंटू दो बराबर चार घंटा नया समय एक बजे पहुंचने में लगा समय एक बजे तक पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा लग पांच घंटे एक बजे तक पहुंचने में मतलब पांच घंटे लगेगा उसको पहले छह घंटे लग रहा था पे उसको लग रहा है मतलब है, अगर बारह घंटे बजे बजे रहा है तो चार दो पूछ रहा है तो चार तो घंटे में कितना घंटा घंटा लगेगा आगे देखे स्टूडेंट्स और तेरहवा क्वेश्चन चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पंद्रह पच्चीस चालीस और पिछहत्तर से विभाजित हो पंद्रह चालीस और पिछहत्तर का अपन को निकालना है एलसीएम तो ये चला जाएगा पांच से पाँच से तीन बार पांच से पांच बार पाँच से आठ बार पाँच से पंद्रह बार फिर तीन से तीन एकम तीन तीन पंजे पंद्रह पाँच और आठ फिर पांच से एक एक आठ एक आठ पंजे चालीस चालीस इंटू पांच पंद्रह पंद्रह चौका साठ मतलब छसो चार अंकों की, की बड़ी से बड़ी संख्या चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है नौ हजार नौ सौ निन्यानवे में छह सौ का भाग देंगे अपन तो ये एक बार 600 नौ नौ तीन नौ संग संग छीस मतलब छह बार तीन हजार 9 नौ नौ तीन तीन सौ निन्यानवे घटाना है मतलब नौ 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 हजार नौ सौ निन्यानवे से कितना घटाना है तीन सौ निन्यानवे जीरो जीरो छ और नौ नौ हजार छो सबसे बड़ी संख्या नौ हजार छसो आगे देखे स्टूडेंट्स चौदह क्वेश्चन चालीस में आठ की दर से पेन खरीदे जाते हैं और चालीस में छ की दर से तो चालीस में कितने की दर से आठ की दर से पेन खरीदे जाते हैं और चालीस में कितने की दर से छ की दर से बेचे जाते हैं तो इन दोनों का लघुतम आठ और छह का चौबीस आठती या चौबीस छ चौक का चौबीस आरती बारह एक सौ बीस में खरीद रहा है चार चौक सोलह एक सौ सो साठ में बेच रहा है कितने का फायदा 40 का कितने पे 120 पे इंटू सौ चालीस से तीन बार 100 बटा तीन तैतीस सही एक बटा तीन प्रतिशत का लाभ आगे देखें स्टूडेंट्स पंद्रह क्वेश्चन सरल कीजिए रूट 225 225 किसका होता है पंद्रह का बटा सात सौ सात सौ किसका होता है सात सौ उनतीस सात सौ होता है ये हो जाएगा सत्ताईस 27 का 27 का माइनस 5 बटा बारह फिर बाग चार बटा नौ तो जाएगा इसमें से सताइस 27, 27 सताईस ये सताईस और बारह सत्ताईस को बारह से मल्टीप्लाई करने पर कितना सत्ताईस दो सौ सत्तर और चौवन दो सौ सत्तर और चौवन चार सात और पाँच बारह का दो तीन सौ चौबीस तीन सौ चौबीस तीन सौ चौबीस ये हो जाएगा सताईस बारह पंद्रह इंटू एक सौ अस्सी एक सौ अस्सी माइनस एक सौ अस्सी माइनस सत्ताईस सत्ताइस इंटू पांच सत्ताईस को पांच से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सौ पैंतीस एक सौ अस्सी माइनस एक सौ पैंतीस चला जाएगा 45. बटा दो सौ बटा तीन सौ चौबीस ऊपर चला जाएगा नौ बटा चार नौ बटा नौ बटा चार नौ बटा चार पंद्रह बटा ये हो जाएगा तीन से पंद्रह बार ये तीन से एक सौ आठ बार ये नौ से ये चला जाएगा बारह बार ये तीन चौक बारह तीन पंजे पंद्रह पांच बटा सोलह आगे देखे स्टूडेंट सोलवा क्वेश्चन हल करे जीरो पॉइंट तीन पॉइंट छह ये हो जाएगा छत्तीस इंटू अड़तालीस इंटू पचास बटा बारह इंटू नौ इंटू पांच ऊपर कितने पॉइंट है एक तीन और दो पांच नीचे भी पांच के पांच बारह से तीन बार पांच पांच से दस बार पांच से दस बार यह चला जाएगा नौ तीन एकम तीन तीन से तीन बार फिर ये इससे चला जाएगा सोलह बार सोलती अड़तालीस सोलती अड़तालीस ये हो जाएगा एक सौ साठ आगे देखे स्टूडेंट्स दो सौ पचास है यहाँ पे एक बार दोबारा देख लेते हैं दो सौ पचास बारह से तीन बार तीन से तीन बार तीन से सोलह बार ये पांच बार सोलह पंजे अस्सी आठ सौ आगे देखे स्टूडेंट सत्रवा क्वेश्चन एक आयताकार कोटरी के प्रस का विकिरण सात पॉइंट पांच फुट है कोटरी की छोटी भुजा चार पॉइंट पांच है तो कोटरी का क्षेत्रफल वर्ग फुट में याद कीजिए ये क्या है एक आयताकार तो इसका विकिरण कितना है सात पॉइंट पांच छोटी पूजा कितनी है ये चार पॉइंट पांच मतलब फिर है ये पैंतालीस है तो फीचौतर का स्क्वायर होता है छप्पन पच्चीस छप्पन पॉइंट पच्चीस माइनस पैंतालीस का स्क्वायर होता है बीस पॉइंट पच्चीस ये हो जाएगा कितना छत्तीस छत्तीस मतलब छत्तीस ये हो जाएगा छह छह तो इसके क्षेत्रफल चित्रपल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई लंबाई कितनी है छ इंटू चार पॉइंट पांच तो पंजी तीस का जीरो चौका चौबीस और तीन सत्ताईस सत्ताईस फुट आगे देखिए स्टूडेंट्स अठारवा क्वेश्चन किसी काम को पूरा करने में पी क्यू आर कर्म से अठारह पंद्रह और दस दिन लेते हैं उनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात पी क्यू आर पी अठारह पंद्रह और आर दस तीन उन सबका लघुतम नब्बे अठारह पंजे नब्बे पंद्रह नब्बे और दस नौ नब्बे तो उनके कार्य क्षमताओं का अनुपात पांच अनुपात छ अनुपात नौ आगे देखे स्टूडेंट्स उन्नीसवा क्वेश्चन चार पॉइंट पांच प्रति वर्ष की दर से चार वर्ष छह महीने में चौबीसो पर होने वाला साधारण ब्याज चौबीस तो सौ ये चार पॉइंट पांच एक मही चार पॉइंट पांच मतलब बारह महीने का है बारह महीने का है तो अपन को निकालना है चार वर्ष तो बारह चौक अड़तालीस बारह चौक अड़तालीस मतलब चार इंटू बारह प्लस छह चौक अड़तालीस प्लस छ मतलब चौवन चौवन पॉइंटर जाएगा नीचे आ जाएगा दस ये चला जाएगा पाँच दूनी दस और पांच नौ पैंतालीस तीन तीन नौ तीन चौक बारह चौक बारह अब सत्ताईस सताइस तीन ये हो जाएगा चौवन चौवन के अंदर अपन अगर दो ये इधर हो गया आठ आठ में अगर दो तो का भाग देंगे चार ये हो जाएगा सत्ताईस सत्ताईस थी इक्यासी बटा चार ये हो जाएगा चौबीसो इंटू इक्यासी बता बटा दो जीरो से दो जीरो तो इसमें चार का भाग देंगे छ इक्यासी इंटू छिया इंटू छ छम छू अड़तालीस चार सौ छियासी चार सौ छियासी आगे देखें स्टूडेंट्स ईश्वर क्वेश्चन यदि किसी संख्या के गन को एक सौ त्रेप के स्क्वायर से घटाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त होने वाली संख्या चौदह सत्तावन है तो संख्या का पता लगाइए तो किसी संख्या के गण एक सौ का स्क्वायर से अगर घटाया जाता है तो कितना प्राप्त होता है चौदह सो सत्तावन एक सौ त्रेपन का स्क्वायर कर लेंगे एक सौ तिरपन का स्क्वायर आएगा तेईस चार सौ नौ माइनस चौदह सत्तावन बराबर अक्स का क्यूब क्यूबे तो हो जाएगा अक्स का क्यूब बराबर इक्कीस नौ सौ बावन ये है अक्स बराबर अठाईस आगे देखे स्टूडेंट क्वेश्चन पिता और पुत्र की आयु का अनुपात तीन अनुपात एक है और उनके आयु का गुणनफल एक सौ सैतालीस है अनुपात कितना हो जाएगा तीन अक्स इंटू अक्स बराबर एक सौ सैतालीस तो तीन क्स स्क्वायर बराबर एक सौ सैतालीस अक्स स्क्वायर बराबर तीन चौक बारह तीन नाम सताइस अक्स बराबर सात तो उनकी आयु का योगफल आयु का योगफल हो जाएगा तीन इंटू सात प्लस सात तो सात इक्कीस और सात अट्ठाईस धन्यवाद स्टूडेंट्स चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा